Hi, this is Adik Mehta and you are watching me on Bazooka. अम्मा, आपने रीवा जी को कहीं देखा है क्या? मुनीब, ना हम तो रीवा जी के जो हर पल पल का जानकारी रखेंगे। अरे वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। कहीं आने जाने से पहले हम जैसे नौकरों को नहीं पूछते। आपसे तो पूछना ही बेकार है। रीवा जी बिना बताए कहाँ चली? नहीं भी नहीं लग रहा इनका। जितना दिन भर रेवा का नाम जपता है ना, उतना ही अगर भगवान का नाम जपेगा ना तो मोक्ष मिल जाएगा। पर रेवा तो वो अपने पैर की जूती भी नहीं सकती और एक ई है जो चोरों का गुलाम बन के घूम रहा है। ड्राइवर को साथ लेकर चली जाती। नहीं तो पेट से है बहू, नहीं कोनो बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तुम सब अपने दिमाग को ठंडा ठंडा कर ले। नहीं कि बहू या 3 साल की छोटी बच्ची नहीं है जो घर से बाहर जाएगी तो खो जाएगी। बहू से संबंध आ गए हो, चंका देर में घर आती ही होगी। माफ कर दो उसे, लेकिन इस तरह से रात को किसी को बिना बताए घर से चले जाना ठाकुरों के बहुओं को शोभा नहीं देगी। अरे हम भी अपने पति के इजाजत के बिना एक फिर घर से बाहर नहीं निकलता। और ये लड़की को देखो, बताना तो दूर, होलबा तक नहीं उठा रही। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जल्द ही रेवा घर में जो बड़ों की इज्जत करने का रिवाज है वो खत्म कर देगी। कुछ नहीं नजर आ रहा है होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड टू रेवा से, और वो मेरी आंखों से इधर उधर ओझल होती है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं वैसा एक मछली बन जाता हूँ जो पानी से निकालते तड़पता रहता हूँ मैं। तो काफ़ी देर से मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मुझे पूरे घर में नहीं मिल रही थी वो। तो बहुत ही टेंशन का माहौल बन गया था कि कहाँ है। मैं सबसे पूछ रहा था, कोई बता ही नहीं पा रहा था, किसी को पता ही नहीं था रेवा जी कहाँ है। और एक टेंशन ये थी कि वो प्रेग्नेंट है, तो अगर कहीं अकेले गई हैं तो साथ में मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी चीज़ की टेंशन थी कि वो मुझे घर पर नहीं मिलती। कुछ लोग तो आपके साथ टेंशन में हैं, लेकिन कुछ लोग टॉट भी मार रहे हैं। बिल्कुल घूमने गई होगी ऐसा वैसा, इस पर क्या कहेंगे राघव? कितना टेंशन में आते उस बात को सुनकर? एक्चुअली मैंने उस बातों को इग्नोर ही कर दिया था, बट अम्मा की कुछ ऐसी इंटेरोगेशन थी जो मुझे पसंद नहीं आई। और बट ठीक है, हमारी अम्मा का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो ऐसी बातें करती हैं। वो रेवा जी जब से हमारी शादी हुई है तब से उनको वो चीज़ें पसंद तो आई नहीं और हमारा साथ रहना नहीं पसंद, तो वो एक मौका ढूंढती हैं कि रेवा जी को डिग्रेड करने की कोशिश कर सकें। बट मैं आई एक्ट एज अ शील्ड और मैं रेवा जी को हमेशा बचा ही लेता हूँ। आखिरी सवाल, अब जब रेवा घर आ चुकी है, सारी टेंशनें मुक्त हो चुकी है, तो अब राघव क्या करने वाले हैं? अब मैं उनके साथ आराम से सोने वाला हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई थी।